नागपुर में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी सुधाकर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अडवाले 13,000 वोटों से आगे होने की जानकारी सामने आते ही अडवाले समर्थकों ने नाच गाकर और गुलाल उड़ाकर ढोल ताशे बजाकर जल्लोष किया। आज जो है शिक्षक निर्वाचन की जो है वोटिंग काउंटिंग शुरू है और आप देख पा रहे हो यहाँ जल्लोष किया जा रहा है। प्रत्याशी अडवाले के कार्यकर्ता यहाँ पे क्या बताओगे? हाँ सर, हा जो विजय मिळत आहे तो अतिशय पराश्रमाने भेटत आहे। 12 वर्षापासून प्रतीक्षेत असणारा शिक्षक 12 वर्ष रडत होता आहे जुन्या पेन्शन साठी। आमचे अनेक बांधव यामुळे मृत्युमुखी पडले, परंतु रुलिंग जो आमदार होता नागो गणार सर यांनी याकडे मुळीच लक्ष दिलेलं नाही। हा एक जन आक्रोश आहे आणि हा जन आक्रोशाचा विजय या ठिकाणी झालेला आहे। ये अभी सर तो लीड पर चल रहा है, वो कायम रहेंगे, बाकी अन्य उम्मीदवार की शायद डिपॉजिट होने की संभावना है। हम देख पा रहे हो कि पहले इसमें जो है मतगणना हुई है उसमें हम देख पा रहे हैं कि लीड जो है अडवाले को मिली है। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैं विदर्भ माध्यमिक शिक्षण का प्रांतीय कोषाध्यक्ष है। आमचा विजय आधीच नक्की झालेला होता। जुनी पेन्शन संघ पेन्शन बाबतीत हा आमचा मुद्दा होता आणि राष्ट्रीय पातळीवर ग्रॅज्युटी सुद्धा बंद होणार होती, ती बातमी पण आलेली आहे TV9 माध्यमातून। आम्ही ती सगळं लोकांपर्यंत असंतोष पसरवला आणि गाणारे 12 वर्षांमध्ये कोणतेही शिक्षकांचे प्रश्न सोडवलेले नव्हते। हे आमचे निजाम सर आहेत, आमचे नेते आहेत, हे तुम्हाला पूर्ण माहिती सांगते। हम देख पा रहे हैं कि अडवाले जो है पहले से ही जो हम देख पा रहे हैं कि लीड पे है और अभी भी वो लीड पे है, उसका जल्लोष हम अपने पीछे देख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ सुनील देशमुख, BTN News।